अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जैक्सन मार्केट की एक शॉप पर, ये एक न्यू शॉप बनी है। ओके व्यूअर्स, देखते हैं इनमें कौन कौन से प्राइस के साउंड सिस्टम है और क्या क्या मॉडल है इनके। चलिए पहले आपको मैं डिस्प्ले बता देता हूँ। ये सोनी का सिस्टम है, सोनी का। अच्छा मुजम्मल, मुझे बताइएगा कि कौन कौन सा मॉडल है और क्या क्या प्राइस है। ठीक है, मुख्तलिफ मॉडल आते हैं, मुख्तलिफ प्राइस हैं। ये सारे जैपनीज स्पीकर हैं, जापान इंपोर्ट होती है, ये सारे वो स्पीकर मौजूद हैं। जो सोनी का सिस्टम आप देख रहे थे वो मलेशियन होते हैं। 220 ओरिजिनल होते हैं, 110 नहीं होते। ठीक है, बाकी जो जापान इम्पोर्ट वाले जितने भी पीस हैं वो सारे 110 पर होते हैं। और उसमें मुख्तलिफ एम्पलीफायर आते हैं, जिस तरह ये स्टीरियो पर्पस के लिए होते हैं, ये छोटे कंपोनेंट हैं, ये भी स्टीरियो एम्पलीफायर डेक, ऑडियो जो कैसेट सिस्टम वाले आते थे ये वो एम्पलीफायर है। इसके अलावा फिर लेटेस्ट में अगर आते हैं थोड़ा सा इस तरफ, तो ये DTS में है, DTS एम्पलीफायर है सारे 5.1 7.1। इसी में फिर मजीद HDMI वाले मॉडल आते हैं, वो और इससे बड़ी अपग्रेड होती है। ठीक है, मॉडल। अच्छा, इनके चैनल है, चैनल के बारे में जो होता है। चैनल इसमें 5.1 7.1 मतलब 5 चैनल 7 चैनल ये सारे मुख्तलिफ होते हैं। HDMI है ये, इसमें HDMI वाले मॉडल भी आते हैं, बट ये डिजिटल पर है, ऑप्टिकल कोएक्सियल वाले मॉडल हैं, इसको भी आप डिजिटलाइज चला सकते हैं, लेकिन ये विदाउट HDMI वाले। इसमें HDMI वाले जो मॉडल आते हैं वो फिलहाल करंटली अवेलेबल नहीं है। और इसमें ब्लूटूथ फंक्शन है, ब्लूटूथ का इसमें नहीं होता, इसमें ऑक्स की कनेक्टिविटी होती है। अच्छा, एनालॉग होता है और ऑप्टिकल होता है, ब्लूटूथ USB ये सारे बिल्कुल जो लेटेस्ट मॉडल 2015-14-15 के बाद के उसमें। और 110 है या बहुत, ये भी 110 है। अगर इसी में ये जापान वाले हैं तो 110 है, अगर इसमें मलेशियन आते हैं या जो नए मॉडल हैं उसमें 220 आते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं इसमें, ऑनकियो, डेनन, यामाहा, कैनवुड, पायनियर, इस तरह के तकरीबन मॉडल हैं। बाकी ये सारे हैं स्पीकर्स वगैरह के, आगे सारे स्पीकर नीचे आप देख रहे होंगे, AC भी पड़े हुए हैं जी। बिल्कुल AC भी पड़े, AC भी रखे आपने, चूँकि हमारा 3 से 4 महीने का जो ये सीजन होता है गर्मियों में, हमारा तो सीजन स्टार्ट भी हो गया जी। गर्मियों में मोस्टली काम हमारा एयर कंडीशन का होता है, तो ये जैपनीज AC है। अलग अलग कंपनी है ये जी, इसमें भी अलग अलग कंपनी है, मोरिटा, नेशनल, हायर, मुख्तलिफ कंपनी आती है, टेक्नोस, और ये कॉनेटन पर होता है। सिस्टम के बारे में बताइएगा। ये पाइनियर का सिस्टम है, इसमें ये 2.1 है, 2 स्पीकर्स और एक वूफर इसमें कनेक्ट हो जाता है, प्लस इसके साथ इसका ये प्रोसेसर अटैच्ड है, बिल्ट इन है। इसमें आपके पास माइक कह रहे हो कि एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, 2 dual mic है, एक कॉलर माइक है, इको वगैरह भी दिया हुआ है इसमें, और हेडफोन कनेक्टिविटी के लिए ये हेडफोन दिया हुआ है। 90 watt का एम्पलीफायर है, अच्छा एम्पलीफायर है, पर चैनल इसके तकरीबन 50-60 watt होते हैं। स्टीरियो है, ये स्टीरियो। इसी तरह ये भी स्टीरियो है, इसमें माइक ऑप्शन नहीं है, ये सिंगल एम्पलीफायर का पीस है, ये सिंगल यूनिट है। चैनल है इसके ये, ये होता है 4.0 होता है, इसमें 2 मेन 2 सराउंड होते हैं, ये फ्रंट का वॉल्यूम है, सराउंड का वॉल्यूम है, दोनों सेपरेट दिए हुए। अच्छा, स्पीकर के फ्रीक्वेंसी ये भी 8 इंच में है, ये सैमसंग कंपनी का है, ये पायनियर कंपनी का, वो कैनवर्ड है उसका, ये कितना 10 इंच है, ये भी 8 इंच, 8 इंच, 8 इंच। इसकी क्या प्राइस है? ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस की जो रेंज है ना, वो 8.5 हज़ार पर से स्टार्ट, 8.5 हज़ार पर से स्टार्टिंग रेंज है, और फिर ये मुख्तलिफ है, 10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार जैसा मॉडल वैसे प्राइस है। ये बड़े स्पीकर्स हैं, ये विंटेज सीरीज है, ये हैवी ड्यूटी होते हैं काफ़ी, ये तकरीबन आपको 22 से 25 हज़ार रुपये तक के पड़ते हैं। इसमें ये वूफर है, ये टॉप है, ये कैनवुड का वूफर है,
ये इसका स्टाइल जो है ये हमारे शेफ भाई, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा बड़े पॉपुलर है, मशहूर हुए हैं, सर्वे कर रहे हैं, सीडी कूलिंग वगैरह मिल रही है। बिल्कुल, आपको तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। थैंक यू। अच्छा ये क्या था इसके, इसके ये टॉप ऊपर है कैनबोर्ड का, टॉप ऊपर है, टॉप स्टाइल है इसका, जो स्टाइल जो है ना इसका डिजाइन है वो टॉप स्टाइल में बनी हुई। वैसे ट्रम्पेट स्टाइल के लिए या टॉप के लिए एक ही बार हर इंतजार से अटैच हुआ है। इसका काम है बेस देना, बेस देना आगे सिर्फ बेस देना। अच्छा ये पूरे जो है एक ही सेट है जी, ये कंप्लीट सिस्टम है। ये इसका वूफर है, ये इसका एक्टिव वूफर है पावर्ड, ये इसके फ्रंट स्पीकर्स हैं लेफ्ट एंड राइट, ये इसके सराउंड है, वो इसका सेंटर स्पीकर है, ये कंप्लीट जो है 5.1 है। 5.1 है जी। इसके प्राइस मेंशन कीजिए ना, बताया ये तकरीबन पड़ता है 35 तक का है ये। 35,000 जी। इसमें दो माइक ऑप्शन है, डीवीडी चेंजर है, 3 डिस्क चेंजर है, कैसेट सिस्टम है, ऑक्स कनेक्टिविटी है, और इसकी कंजम्पशन जो है पर चैनल 8400 वाट पीएमपी होता है, और आरएमएस जो है वो तकरीबन इसका 700-800 वाट तक होता है आरएमएस। इसके अपने स्पीकर्स जो है फ्रंट वाले वो 210 वाट के, तो सराउंड इसके 170 वाट।